स्वागत है मेरे इस महेश अशेटर ब्लॉग्स में आपका। और गाइज कैसे हैं आप लोग? मैं भी एकदम मस्त हूँ। और अभी का ब्लॉग मैं घर से बना रहा हूँ और ड्यूटी से मैं 4-5 बजे घर पे पहुँच चुका था, तो आज का ब्लॉगिंग मैं थोड़ा रुक रुक के कर रहा हूँ। तो अभी मैं घर पे हूँ, तो अभी आपको दिखाता हूँ रात के खाने की तैयारी क्या क्या बन रहा है और क्या नहीं। तो गाइज चलते हैं अभी बाहर और देखते हैं। तो गाइज ये आप चेक कर सकते हैं बाहर का व्यू नाइट में। और हमने ना ये धूल दिए थे, ये सोफे के कवर को हैं। और आप ये चेक कर सकते हैं गाइज, ये हमारी थोल्डी है। गाइज यहाँ पे पूजा खाना बना रही है, तो देखते हैं क्या पक रहा है। भाई रोटी सब्जी क्या बनाई? ऐसा क्यों शर्मा रही भाई? तो गाइज चूल्हे पे यहाँ पे रोटियाँ पक रही हैं और सेक भी रही हैं। तो गाइज ये आप चेक कर सकते हैं। और गाइज ये इनकी भैंस है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और गाइज किसी को बिल्लियाँ चाहिए हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। तो गाइज ये चेक कर सकते हैं। और गाइज बहुत सारी हैं, ये चेक करो गाइज। ये चेक करो फ्रेंड्स, कितनी मस्त है ना। सो जाओ सो जाओ। तो गाइज चाहिए हो किसी को तो ज़रूर मुझे मैसेज करें और लेके जाएं ज़रूर। तो अभी चलते हैं देखते हैं अंदर क्या बन रहा है। और ये हमारा कालू है। यह हमारी मेरी बुआरी से बना होने की अंडों की भुजिया, गरम गरम अंडों की भुजिया। और आप लोग भी खान और टेस्ट बतान कंच है। और आप देख सकता ये देखा आप कंचन बनाने गया। और थोड़ा सफाई सफाई। अरे ये कालू ये नया ब्राउनी है मेरे पास, इससे नया लेके आया था मैं बाजार से। और ये भी एक मारकोड़े बाहर छा क्यों, ये देखा कुल खाना कहीं चढ़ गया था। क्या बना रखा कद्दू? ऐसा लग रहा जैसे दाल बना रखा। क्या होगा? दरी होगा। मार के क्या चले साले लेंडी माचो। सो जाओ चुपचाप अब गाइस। ये आप चेक करो, तो गाइस यहाँ पे हमने एक छोटी सी कैरी बनाई है। और ये आप चेक कर सकते हैं गेंदे के फूल कितने मस्त लग रहे हैं गाइस। और यहाँ पे हमने एक पापड़ का पत्ता लगाया और यहाँ पे हमने राई वगैरह लगाई है। और ये आप फूल देख सकते हैं, ये भी कितना मस्त हो गया है। और यहाँ पे ये गुलाब की कलियाँ लगा रखी हैं। और यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी सब्जी बो रखी है। तो गाइस तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा हमने कद्दू की सब्जी बना दी है और अंडे की भी भुजिया बना दी है, रोटियां भी बनी गई हैं, तो खाना ऑलमोस्ट पक ही गया है। और गाइस मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आगे भी वीडियो को भेजें और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और तभी मज़ा आएगा गाइस। और धन्यवाद करता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो फ्रेंड्स कैसा लगा और मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। और आप भी अपने घर पे मस्त खाना खा रहे होंगे, तो गाइस थोड़ी देर में मैं भी खाना खाता हूँ। और फ्रेंड्स अभी 2-4 दिन से मैंने बियर्ड भी नहीं बनाया है, तो बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, बाल भी नहीं कटवाए। और गाइस वैसे बाल क्या बताऊँ बालों के बारे में, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इतना ज़्यादा मेरे को कटाने का मन भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वैसे ही आधे से ज़्यादा टूट जाते हैं, तो फ्रेंड्स मन भी नहीं करता। तो गाइस मिलते हैं भी आपसे थोड़ी देर में और मस्त खाने के साथ। तब तक आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा गाइस और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। और आप लोगों ने मेरी शादी की कुछ फ़ोटोज़ तो देखी होंगी और आप ये चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, पिछली बारी वीडियो में मैंने डाल रखे हैं 2-3 एपिसोड्स। और ये भी चेक कीजिए गाइस कितना मस्त लग रहा था ना मैं इसमें। और ये भी चेक कीजिए।
ये वाली फोटो भी कितनी अच्छी लग रही है ना गाइस। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अंडे की भुजिया आ चुकी है, चाय भी है और रोटियां वगैरह भी, और हम मस्त खाने बैठते हैं गाइस। तो गाइस मिलते हैं अभी दूसरे ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।